ये तो नए बच्चे हैं, उनको फिक्चर जो ज्यादा पसंद है, हमें तो ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, एक्सीडेंट में मैं इसी के कारण बच गया। अपनी इच्छा थी जीवन में भी हम भी फॉर्च्यूनर में चले। ये इस वरना हमारा जो सपना है पूरा किया जाए तो हाँ। इसकी कीमत ज्यादा है। कीमत ज्यादा है ना, मैं उस पर आने वाला था। क्योंकि उस हिसाब से जो है ना कंपनी ने कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी इसकी। तो ये गलत करा है। मतलब ये लगा लो 30 लाख रुपए 28-30 लाख रुपए होने चाहिए। 10 साल का जो मैटर है गाड़ियों में गलत है। ये तो कॉमर्शियल जो वाहन है उनके लिए लागू होना चाहिए, उनके लिए लागू होना चाहिए। जो ये पर्सनल जो अपनी निजी गाड़ियां हैं तो बहुत कम चलती हैं। हाँ जी हाँ जी। इसीलिए इन पर 10 साल का जो प्रतिबंध है ये सरकार को NGT हटाना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो भाई आज मैं लेके आऊँ आपके लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर। और ये जो गाड़ी है ना भाई, ये है हमारे माननीय मास्टर मनोज नागर जी की। और ये जो है राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रवक्ता हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु जी की टीम से हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे, हमारे साथ बने हुए हैं। बाकी पहले एक बार गाड़ी का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। और भाई गाड़ी को फ्रंट से देखो और उसी के बाद साइड से दिखाता हूँ आपको कम्प्लीट गाड़ी कैसी है। और भाई ये तो सबको पता ही है कैसी है, फॉर्च्यूनर का तो नाम ही काफ़ी है। तो लुक भाई गाड़ी का बहुत प्यारा आता है SUV सेगमेंट की, और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली कार है। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अब जैसे मनोज नागर जी की है, नेता लोग तो खैर ज़्यादा पसंद करते हैं फॉर्च्यूनर को। बाकी अब उनसे बात करने वाले हैं, उन्होंने कब खरीदी है और क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका इस गाड़ी के साथ, और कौन कौन सी गाड़ियाँ ये ओन करते हैं इससे अलग जो है, बाकी इस सेगमेंट में उन्हें यही क्यों ज़्यादा पसंद आई है। तो चलो मैं इन्वाइट करता हूँ उनका, आ जाइए सर। सबसे पहले तो वेलकम सर। और तो ये हैं भाई हमारे मास्टर मनोज नागर जी। तो कब खरीदी सर आपने? ये 16 मार्च में खरीदी थी। 2022 में ही खरीदी है। ओके, तो कितने की पड़ी थी ये? ये पड़ी थी 41-42। 41-42। अच्छा, टॉप वेरिएंट है क्या ये? ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है, ओके। तो ये कितने किलोमीटर चला लिया लगभग आपने? ये चल गई 4-5 हज़ार। 4-5 हज़ार किलोमीटर चल गई, ठीक है। अच्छा सर, जैसे मैं पूछूं आपसे कि भाई इस सेगमेंट में फॉर्च्यूनर ही क्यों पसंद आई आपको? राजनीति के हिसाब से, एक सुरक्षा की दृष्टि से, हाँ, एक लुक की दृष्टि से, हाँ हाँ, इससे ये बढ़िया है लॉन्ग रूट जाने के लिए। हाँ, एक इसकी लुक अच्छी है। लुक अच्छी है, मतलब जैसे मैंने भी देखा पहले है, पहले भी फॉर्च्यूनर ही थी मुझे पे। अच्छा, इससे पहले फॉर्च्यूनर थी? फॉर्च्यूनर थी, इसीलिए फॉर्च्यूनर, इसकी लुक भी बढ़िया है, इसका जो अंदर की जो बॉडी है वो बढ़िया है। दूसरा क्या है कि सेफ्टी पर्पज से बहुत मजबूत। सेफ्टी पर्पज से बहुत बढ़िया। एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, एक्सीडेंट में मैं इसी के कारण बच गया। इसके जो एयर बैग वो खुल गए, तो उससे इसका सेफ्टी पर्पज बहुत बढ़िया। मतलब इससे पहले जो फॉर्च्यूनर थी, इससे पहले जो फॉर्च्यूनर थी वो ओल्ड मॉडल वाली थी? ओल्ड मॉडल। अच्छा, तो उससे एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है भाई। मतलब सेफ्टी काफी अच्छी दे रही थी टोयोटा। अच्छा, जैसे माइलेज वगैरह की एक बार बात करें, क्या माइलेज है? तो कम ही है, माइलेज तो 9-10 का ही है। 9-10 का है, मतलब हाईवे वगैरह पे भी? हाईवे। बाकी अब जैसे इसके भाई टायर वगैरह देख लो, ये एलॉय व्हील वगैरह सब इससे कंपनी से ही आते हैं ऐसे ही, ठीक है। अच्छा सर, जैसे और कौन कौन सी गाड़ियाँ ओन करते हो आप? गाड़ियाँ फिर मारुति की है। या मारुति की है या ये है? इससे पहले स्कॉर्पियो थी, महिंद्रा की। अच्छा, इससे पहले स्कॉर्पियो थी, वो कितनी पसंद आई थी? वो भी ठीक थी, लेकिन उसका जो बैठ के चलने का, मतलब हिलती ज्यादा है ना? हिलती ज्यादा है। हाँ देखो, ये मिले हैं मुझे जिन्होंने बोला हिलती ज्यादा है, बाकी स्कॉर्पियो का ऑनर कोई बोलता नहीं है हिलती ज्यादा है। चलो एक बार अंदर बैठ के बात करते हैं, आप उधर आ जाइए। तो भाई ऐसा इंटरफेस आता है इसका इंटीरियर का, मतलब कंप्लीट ब्लैक थीम है। बाकी अगर जैसे ये पट्टी है तो ग्रे में मिल गई है, बाकी सारा कंप्लीट ब्लैक थीम। बैठ जाइए सर एक बार, देखो सीट का एक बार दिखा देता हूँ। जैसे अभी सर कर रहे थे, ये इलेक्ट्रिकल ही है सारी, मतलब इंक्लाइन रिक्लाइन सारी चीज़ें ना ये इलेक्ट्रिकली होती हैं, ठीक है। और भाई देखो, सबसे पहले इसकी चाबी देख लो आप, लॉक अनलॉक का बटन और बूट एक्सेस करने का बटन मिल जाता है। अच्छा सर, जैसे मैं पूछूं इस गाड़ी से आप कितने संतुष्ट हो आपने जब से लिया है? मैं तो पूरी तरह संतुष्ट। पूरी तरह संतुष्ट हो, ओके। मतलब जैसे सस्पेंशन वगैरह कैसा है गाड़ी? सस्पेंशन बढ़िया है, चलने का ढंग बढ़िया है, चलने का ढंग बढ़िया, लुक बढ़िया है, लुक बढ़िया है। और आदमी जब बैठ के चलता है तो उसमें आनंददायक है, अगली जो सीटें हैं तो बढ़िया। ओके, मतलब कंफर्ट है काफी। कंफर्ट है। बाकी एक चीज मैंने देखी है, फॉर्च्यूनर ज्यादा फीचर्स वगैरह नहीं देती। फीचरों की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। ये तो नए बच्चे हैं, उनको फीचर जो ज्यादा पसंद है, हमें तो ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ सही बात है। बाकी अब फॉर्च्यूनर की बात ये है, जिसको पसंद आती है उसको तो आती ही। फिर भी राजनीति का एक स्टैंड भी बन चुका है ये। हाँ, स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर ही हाँ पसंद करते हैं,
ये क्या है, ये शहर के गांव के दोनों के मतलब की है। हाँ हाँ हाँ। जैसे हम किसान राजनीति से जुड़े हुए हैं तो गांवों में हाँ जी देहातों में जाना पड़ता है, सवारी भी कितनी इसमें बैठा लें तो कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा सर एक बार अपना वही बता दीजिए, आप जैसे अपने यूनियन का बता दीजिए, कहाँ से आप बिलोंग करते हो? मेरा गांव इनायतपुर है। ओके। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रवक्ता हूँ। ओके जी। और आज तक मैं ज्यादातर किसानों की ही राजनीति करता हूँ। हाँ। गरीब मजदूरों की राजनीति करते हैं। मतलब किसानों के हक में आप बड़ी मेहनत करके, वैसे हम अपने इसके साथ साथ ठेकेदारी का काम भी करते हैं। अच्छा। तो अब अपनी इच्छा थी जीवन में हम भी फॉर्चूनर में चले, ये ईश्वर ने हमारा जो सपना है पूरा किया। पूरा किया हाँ जी। और अपना कमा के आज हम जो है अपनी मेहनत का फल कुछ अलग ही होता है। से गाड़ी ली है तो इसमें परिवार का, ईश्वर का, हमारे माता पिता का, हाँ जी, बहुत बड़ा सहयोग और आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। हाँ, बाकी सपना थोड़ा सा मेरा भी है फॉर्च्यूनर का। देखते हैं हम भी पूरा होगा नहीं होगा। और देखो भाई गाड़ी का जो इंटरफेस है ऐसा आता है, डैशबोर्ड ऐसा निकलता है, थोड़ा सा जैसे बैठ के भी देखो कंफर्ट है और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये पावर विंडो मिल जाती है, ये भी सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पे लेदर अपोल्स्ट्री मिल जाती है आपको सारी, यहाँ पे फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिल जाती है। चलो अच्छा, ये भी ओपन होता है यहाँ से? ये है, इसमें एयर कंडीशन है कि कोई चीज़ ठंडी का। अच्छा, कूलिंग वाला है? कूलिंग है। ओके, ये कूलिंग वाला हो गया। और ये लॉक है अपना कोई सामान रखना। हाँ अच्छा, ये अच्छी चीज दे दी इसमें, यहाँ पे दे दिया लॉक, ये लॉक कर दिया, ये बहुत बढ़िया चीज है। ड्राइवर है तो अपने चाबी अपने इसमें से निकाल लो इसको। हाँ, ये चाबी इसकी जो यहाँ से निकल जाएगी। अच्छा, वो जो इमरजेंसी के लिए होती है ये चाबी निकाल, ये चाबी निकल गई है इसकी, जैसे सर ने दिखा दिया निकाल लगा के, और इसमें यहाँ पे लगा लो और आप कर लो इसे लॉक। ये लॉक ठीक है। ओके, ये सही है, ये सही सिस्टम है, ये आप लगा लीजिए। ठीक है। अच्छा सर, जैसे मैं बात करूं इसकी टोयोटा फॉर्च्यूनर की, अब इसमें एक एंडेवर ही आती थी इसके टक्कर की जो आती थी, बट अब क्या है वो फोर्ड चली गई है कंपनी। फोर्ड चली। हाँ, तो अगर मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, चलो देखा जाए तो हाँ, वैसे इसकी कीमत ज्यादा है। कीमत ज्यादा है ना, मैं उस पर आने वाला था। क्योंकि हिसाब से जो है ना कंपनी ने कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी इसकी। ये गलत करा है, मतलब ये लगा लो 30 लाख रुपए 28-30 लाख रुपए होने चाहिए। बिल्कुल सर, मैं आपसे सहमत करता हूँ ये चीज। 8-10 महीने की वेटिंग करा रखी है कंपनी। हाँ, मतलब फॉर्च्यूनर पे 8-10 महीने की वेटिंग है। वेटिंग 8-10 महीने में। दूसरा क्या है, सरकार का एक नियम जो 10 साल का, ये भी बहुत गलत है, ये भी बहुत गलत है। हम जैसे व्यक्ति है, हम इसे पूरी 10 साल में 1-1.25 लाख चलाएंगे और 10 साल में खत्म हो जाएगी, एनसीआर में चलेगी नहीं, तो सरकार हाँ, को इस पे सोचना चाहिए। हाँ, इस कारण भी जो गाड़ियां कम बिक रही, मतलब डीजल की 15 साल तो करनी चाहिए, 15 साल तो करनी चाहिए, ये तो कंडीशन करनी चाहिए ना। हाँ, क्योंकि इन गाड़ियों का तो कमर्शियल जो गाड़ियां हैं हाँ, उन पे प्रतिबंध होना चाहिए, उन पे प्रतिबंध होना चाहिए। व्यक्तिगत जो गाड़ी आप अपने पर्सनल यूज में ले रहे हैं उन पे ऐसा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, उनकी तो फिटनेस चेक हो जानी चाहिए। सही बात है, ये भी एक अच्छा मुद्दा बता रहे हैं सर, वो होना चाहिए, गाड़ियाँ और ज्यादा बिकेगी। हाँ, अब ये भी तो है, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी है तो 2-2.5 लाख भी चल जाते जब भी कुछ नहीं बिगड़ता। बिल्कुल। और फिर उनकी कीमत रह जाती है 1-1.5-2 लाख रुपए। पहले मेरी स्कॉर्पियो थी, स्कॉर्पियो 1.25 लाख रुपए चली, 2.80 में मुझे बेचनी पड़ी वो। अच्छा, के कारण। हाँ, ये जो 10 साल का मैटर है, 10 साल का जो मैटर है गाड़ियों में गलत है। ये तो कॉमर्शियल जो वाहन है उनके लिए लागू होना चाहिए, उनके लिए लागू होना चाहिए। जो ये पर्सनल जो अपनी निजी गाड़ियां हैं तो बहुत कम चलती हैं। हाँ जी हाँ जी, इसीलिए इन पर 10 साल का जो प्रतिबंध है ये सरकार को एनजीटी हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। सही बात है। चलो एक बार जैसे सर ने गियर नॉब पे हाथ रखा हुआ, ये है भाई इसका ऑटोमेटिक वर्जन, जो कि जैसे ये हो गया पार्किंग रिवर्स और ये न्यूट्रल और ये हो गया, इसमें स्पोर्ट मोड भी आता है, एक तो ड्राइव मोड, हाँ एक स्पोर्ट मोड आता है, बाकी ये मिल जाता है एक स्पेस, यहाँ भी अच्छा कप होल्डर ऐसे मिल जाते हैं इसमें, यहाँ भी है ये, ठीक है, ये भी है यहाँ पे मिल जाता है, ये आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है जो कि अच्छा है, और ये स्लाइड भी होता है आगे पीछे, नहीं आगे पीछे नहीं होता, ठीक है ये फिक्स देता है। चलो एक बार थोड़ा सा पीछे की साइड देख के चलते हैं गाड़ी में और क्या क्या मिलता है। तो भाई देखो जैसे पीछे की सीट में मैं बैठ के देखता हूँ एक बार, क्योंकि फॉर्च्यूनर में मैंने ड्राइव तो कभी की नहीं है बाकी ये, और ये देखो पीछे की सीट जो है भाई काफ़ी कंफर्ट है, देखो लेग रूम स्पेस देख लो, अब ये सीट मेरे आगे जो है ना मेरे हिसाब से एडजस्ट है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा लेग रूम स्पेस मिल रहा है और हेड रूम स्पेस भी इसमें कम मिल रहा है। अच्छा सर, जैसे मैं पूछूं इसमें आपको सनरूफ की कमी नहीं लगती, जैसे 41 लाख रुपये अगर कोई बंदा खर्च कर रहा है तो? सनरूफ की कोई ज़्यादा वो तो है नहीं, जो नए बच्चे हैं उनको चाहिए। हाँ, ये दे भी दें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, बस थोड़ा यही है, सनरूफ जैसे पब्लिक ना फॉर्च्यूनर को एक अलग नजरिए से बस ये देखती है कि ये ओवर प्राइस्ड है,
और प्राइड है। हाँ। तो इसमें जो इनको सनरूफ दे दें, कोई दिक्कत थोड़ी, सनरूफ दे दो और क्या दिक्कत है। पर ये है ना, इनकी तो बिक्री है तो चलने तो जैसे चल रहा है। ऊपर देखो यहाँ पीछे सारा ऑटोमेटिक सिस्टम मिल जाता है आपको, एयर मतलब सॉरी एसी वेंट्स वगैरह जैसे यहाँ मिल जाते हैं, एसी के कंट्रोल्स नीचे भी है उसमें। अच्छा वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हाँ ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ठीक है। और कंप्लीट ब्लैक सा थीम है सारा, बस ऊपर रूफ है जो व्हाइट है। एक बार इसका बूट स्पेस और चेक कर लेते हैं, और थर्ड रो चेक कर लेते हैं कैसी है। थर्ड रो का कैसे, इसमें ये यहीं से होगी ना, ठीक है जी। ओके ये कंप्लीट देखो फोल्ड हो गई है, और पीछे यहाँ पे भाई मिल जाता है आपको थर्ड रो, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी सही रहता होगा, है ना। एडल्ट तो नहीं बैठ सकते ज़्यादा खास, बच्चों के लिए जो है बिल्कुल सही इंटरफेस है। एक बार इसका बूट स्पेस चेक करा देता हूँ मैं भाई। पीछे का लुक देख लो, आपको इंटीग्रेटेड स्पॉयलर मिल जाता है सब चीज़ें, और बाकी लाइट जो है इसकी एलईडी मिल जाती है, नीचे रिफ्लेक्टर, चार पार्किंग सेंसर, और आपको मिल जाता है कैमरा, और यहाँ से मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर। ये भाई इसका खुल गया है बूट स्पेस, ये ऐसा इसका जो है बूट स्पेस मिल जाता है आपको। और ये भी जो सीट है ना, ये भी जो है रिक्लाइन हो जाएंगी थोड़ी बहुत, और बाकी यहाँ पे मिल जाता है हुक, और बूट स्पेस भी इसका अच्छा मिल जाता है आपको जैसे देख रहे हो, ठीक है। अभी जैसे सर आ रहे हैं मैं पूछने वाला हूँ, जैसे इसका बूट स्पेस है तो लगेज वगैरह के लिए तो ठीक है इतना, है ना आपको तो ज़्यादा वैसे। अच्छा कहीं सर ट्रिप वगैरह पे भी घूमने वगैरह गए पहाड़ी एरिया में कहीं? आपका भी नहीं गए, चलो कोई नहीं। और ये भी इसकी सीट जो है फ्लैट हो जाती है, ठीक है। एक बार इसे करके देख लेते हैं, ये भाई सीट हो जाती है इसकी एरी फ्लैट, ठीक है। ऐसे ही ये जैसे ये फ्लैट हो गई है, ऐसी ये फ्लैट हो जाती है, आगे कुछ सामान रखा हुआ है इसलिए नहीं हो पा रही है, बाकी उसके बाद जो है बूट स्पेस अच्छा खासा बन जाता है, चलो ठीक है बाकी गाड़ी का तो। और ये मिल जाता है आपको यहाँ पे बटन, जिसे आप प्रेस करोगे तो ये अपने आप जो है इसका टेलगेट वो हो जाएगा बंद, ठीक है। और भाई यहाँ पे ना आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है, देखो इको मोड, नॉम, स्पॉट, ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। एक बार आगे बात करते हैं, गाड़ी को आप बंद कर दीजिए। देखो भाई एक बार आगे का गाड़ी का लुक दिखा रहा हूँ आपको, ये कंप्लीट जो आपको फ्रंट ग्रिल मिल रही है, ये मिल रही है क्रोम की पट्टी, और देखो इसमें सारे ना प्रोजेक्टर लैंप है, ये जो हेडलाइट है ना प्रोजेक्टर लैंप मिल रहा है, नीचे आपको मिल जाते हैं ये फोग लैंप। मैं पूछूँ कि कोई बंदा अगर फॉर्च्यूनर प्लान कर रहा है लेने के लिए, तो आप रिकमेंड करोगे उसे लेने के लिए, अगर करोगे तो जैसे क्यों लेनी चाहिए? बढ़िया है, सेफ्टी पर्पस से बढ़िया है, गाड़ी मजबूत है, लुक अच्छी है, मतलब आप रिकमेंड करते हो भाई ले सकते हो गाड़ी को, ठीक है। और फॉर्च्यूनर के तो फैन भी इतने हैं, जिसे लेनी होगी भाई वो तो लेता ही है, आप जो इतना पैसा खर्च करता है। चलो अगर जैसे मैं इसके दो तीन पॉजिटिव और या इसकी खासियत एक और है, जो टेक्नोलॉजी है, जिसकी बॉडी है वो कभी गलती नहीं है। अच्छा बॉडी गलती नहीं, मतलब जंग वगैरह बिल्कुल नहीं लगा। गाड़ी है उनमें ज्यादा 4-5 साल में कहीं से जंग लग जाता है, इसमें पिछली गाड़ी मैंने देखा इसमें जंग नहीं लगा। मतलब पेंट की क्वालिटी अच्छी है, पेंट की क्वालिटी अच्छी है, इसकी जो टीन है मेरे ख्याल से वो अच्छी क्वालिटी। हाँ मतलब बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी, ये तो है। और फॉर्चुनर की सेल भी बहुत अच्छी है, मुझे लग रहा है टोयोटा के पास ये बहुत बेहतरीन गाड़ी है अपनी मार्केट उठाने के लिए। ओके चल, अच्छा जैसे मैं इसकी दो तीन पॉजिटिव पॉइंट पूछूँ या दो तीन नेगेटिव आप मुझे बता दिए कुछ हो तो, जैसे कुछ पॉजिटिव आपको लगता है इसका, हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें? पॉजिटिव तो ये है कि अगर आप इसे हाईवे पर ले जा रहे हैं तो बस चलेगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके दूसरा इसकी लुक बहुत अच्छी है, लुक अच्छी हो गई, पर्पस से बढ़िया है, सेफ्टी पर्पस से अच्छी है। दूसरा ये है कि एक तो इसका प्राइस जो है प्राइस बहुत ज्यादा है, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव है कि इसका एवरेज कम है, एवरेज कम है, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि बाद में जो इसका पार्ट्स भी महंगे है। हाँ ये तो है, पार्ट थोड़े से इस गाड़ी के महंगे हैं फॉर्च्यूनर के, बाद में जो है ना सर्विस को ठीक है लेकिन पार्ट्स बहुत महंगे। अच्छा सर्विस की बात आई, जैसे आफ्टर सेल सर्विस कैसी है टोयोटा की, कैसे ट्रीट करते हैं ये कस्टमर को? सर्विस तो बढ़िया है, सर्विस अच्छी है आफ्टर सेल, पिकअप ड्रॉप का भी सीन है तो तुरंत उसका समाधान भी है, चलो यही चीज अच्छी होती है टोयोटा की, मैंने भी सुना है सर्विस आफ्टर सेल बहुत अच्छी है। चलिए जी, चलो जी ये थे हमारे साथ माननीय मास्टर मनोज नागर जी, और धन्यवाद जी अपना टाइम देने के लिए। और चलो ये था भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर का एक ओनरशिप रिव्यू, जिसमें मनोज नागर जी ने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया है कैसी गाड़ी है, और भाई लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स भी इसके बताए हैं। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और भाई कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो कैसी लगी, बाकी आगे आप किस गाड़ी का रिव्यू चाहते हो। और अगर किसी को अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देना है, एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है या इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो मुझे डायरेक्ट, और बाकी मिलेंगे और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो चलो भाई वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ, बाय।